So the next method to be studied is greedy approach. So we have just finished the divide and conquer approach, greedy approach of algorithm design. Approach बेटे, this is one of the simplest approach for designing algorithms, but there are certain key terms. One is in itself that we need to assume that most of the problems which are to be solved using greedy approach are having n number of inputs. जो भी हम मोस्टली सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी हैविंग n नंबर ऑफ इनपुट्स. और सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन मे बी ए सबसेट ऑफ दोज़ n इनपुट्स और रीऑर्डरिंग ऑफ दोज एन इनपुट्स. तो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर ऑल द ग्रेडी प्रॉब्लम्स. एंड देर आर सर्टन टर्म्स विच आर योर कंस्ट्रेंट्स विच आर फर्दर इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स. द सेकेंड टर्म इज द फिजिबल सॉल्यूशन. द नेक्स्ट टर्म इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एंड द नेक्स्ट टर्म इज सबसेट पैराडिम ऑफ ग्रीडी अप्रोच. And the next one is the ordering paradigm of greedy approach. So these are certain terms which we need to be clear about. Okay. So इसमें से बेटे पहला उठाओ. पहला क्या कहता है कि जितनी भी हम problem solve करेंगे उनमें से most of them will be having n number of inputs. Clear? Second says that the solution of the problem having n number of inputs may be a subset of those n inputs or a reordering of n inputs. तो कहता है ये इनका एक सॉल्यूशन होगा. वो क्या हो सकता है? या तो एक सबसेट हो. सपोज मेरे पास 10 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं. इनपुट क्या है? ए बी सी डी एंड ई, ये मेरा इनपुट है. तो कहता है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सेट हो सकता है ए सी एंड डी. This is the subset which is may be acting as the solution, or it may be the just a reordering, means B, A, C, E, and D. This may also be one of the solution for this problem. तो इस वाला जो पहले वाला solution है बेटे, इसमें क्या है कि जो inputs given है उनमें से एक subset है वो इसका एक solution है. हालांकि ये वाली जो next वाली जो branch है इसमें क्या है कि inputs सारी की सारी है उसमें, एबीसीडी सब है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है. सो ऑल द ग्रीडी अप्रोचेस और द ग्रीडी बेस्ड सॉल्यूशंस व्हिच प्रोड्यूस द सबसेट एज इट्स सॉल्यूशन फॉल अंडर द सबसेट पैराडाइम ऑफ ग्रीडी अप्रोच. सबसेट पैराडाइम एंड ऑल दोज व्हिच रिजल्ट्स इन ए सॉल्यूशन व्हिच इज जस्ट अ रीऑर्डरिंग ऑफ द ओरिजिनल एन इनपुट्स फॉल्स अंडर ऑर्डरिंग पैराडाइम. हम इसका बेटे अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, ऑर्डरिंग पैराडाइम और सबसेट पैराडाइम. अब कहता है बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म्स वी नीड टू टेक अ एग्जाम्पल, वी नीड टू टेक अ प्रॉब्लम विच इज टू बी सॉल्व यूजिंग द ग्रेडी अप्रोच. तो वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है? कहता है नैपसैक प्रॉब्लम. And to be very exact, it is the fractional knapsack problem.
फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या कहती है, दैट वी हैव एन नंबर ऑफ आइटम्स सच दैट फॉर ईच आइटम टू थिंग्स आर गिवन टू अस, वन इज द वेट एंड वन इज द प्रॉफिट। ओके, वन इज द वेट, वन इज द प्रॉफिट। सपोज वेट इज इक्वल टू 4, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10, वेट इज इक्वल टू 2, प्रॉफिट इज इक्वल टू 9, वेट 1, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 6, वेट 5, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15, वेट 3, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20। तो कहता है n आइटम्स मुझे गिवन है, n इस केस में क्या हो गया, n इज इक्वल टू 5, और मुझे हर एक आइटम का वेट दिया हुआ है, और यदि मैं उस आइटम को खरीदता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो दिया हुआ है। ओके, अब कहता है कि द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी ए सेट एक्स सच दैट ईच एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। नाउ एक्स आई विल बी इक्वल टू 0 इफ ith आइटम वॉज नॉट चूजन। फाइन, अब चूजन किसमें चूजन करनी है, किसमें चूज करनी है। कहता है कि ये तो प्रॉब्लम का एक पार्ट है कि हमें n आइटम्स दिए हैं, n आइटम्स में से मुझे हर एक का वेट दिया, हर एक का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसके साथ साथ मुझे क्या दिया है बेटे, एक नैपसैक दिया, एक सैक दिया, एक थैला दिया। ओके, अब कहता है इस थैले में मेरे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वो इसकी m है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक m टू बी इक्वल टू 10 इन दिस केस। तो कहता है 10 किलो का एक मेरे पास एक सैक है। अब कहता है क्या है कि 10 किलो का जो सैक है, अब कहता है वी नीड टू चूज, वी नीड टू पुट द आइटम्स आउट ऑफ दीज n इन टू द सैक सच दैट देर इज अ क्वांटिटी दैट इज डब्ल्यू आई एंड एक्स ऑफ i, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। कहता है कि इस तरीके से चूज करना है ताकि जो टोटल वेट, जितनी भी मैं आइटम्स का चूज करूं, ये वाला वेट वो किससे कम रहे, एम से कम रहे या एम के इक्वल हो। ठीक है, अब कहता है यहां पर बात आती है एक्स आई की। अब ये एक्स आई क्या है, एक्स आई इज द फाइनल सोल्यूशन। कहता है इफ एक्स वन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट आइटम को चूज नहीं किया। कहता है इफ एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको चूज कर लिया। एक्स ऑफ 3 इज इक्वल टू अगेन 1, तो मैंने इसको भी चूज कर लिया। अब एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू अगेन 1, इसको भी मैंने चूज कर लिया। ओके, डन। अब कहता है कि जो मैंने इसको, अब देखो इसी सेम प्रॉब्लम को लो, ये वाली मेरी प्रॉब्लम थी, m इज इक्वल टू 10 था, मतलब मैं मैक्सिमम 10 kg पुट कर सकता था। तो मैंने क्या किया कि ये वाली आइटम पूरी कंप्लीटली चूज कर ली, डन। तो इसको चूज करने के लिए मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली 1 डाल दिया, और इस आइटम को मैंने चूज नहीं किया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 0 डाल दिया। ओके, फिर नेक्स्ट वाली आइटम, ये वाली भी मैंने पूरी चूज करके इसको भी नैपसैक में डाल दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 डाल दिया। उसके नेक्स्ट वाली आइटम, इसको भी मैंने कंप्लीटली चूज कर लिया, इसको भी 1 डाल दिया, डन। तो इस टाइम पर टोटल वेट मेरा कितना हो गया, 2 + 1 + 5 कितना, 8। अब बचा कितना, 2। तो नेक्स्ट वाली जो आइटम है, नेक्स्ट वाली आइटम इसका मतलब है जो 3 है, 3 को पूरा तो नहीं मैं चूज कर सकता, 3 को पूरा नहीं चूज कर सकता ना मैं, तो कितना चूज करूंगा, 2/3 ऑफ दिस। तो नेक्स्ट वाले आइटम का मैंने कितना चूज किया, 2/3 फ्रैक्शन मैंने इसका चूज कर लिया। तो इस तरीके से यदि मैं ये एक सॉल्यूशन मान के चलता हूं, देन द टोटल वेट इज इक्वल टू 10 फॉर दिस। इज इट क्लियर? तो कहते हैं दिस इज द वन ऑफ द प्रोबेबल सॉल्यूशन, मींस हमें फाइनली क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स एरे फाइंड आउट करना है, सच दैट द टोटल वेट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू एम। एंड इसके साथ साथ क्या है, अब नेक्स्ट वाली क्वांटिटी आती है इसके साथ साथ, एंड पी आई एंड एक्स ऑफ आई, वेयर आई इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। कहता है ये वाली जो क्वांटिटी है इट शुड बी मैक्सिमम। तो कहता है दिस होल कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ आवर नैपसैक प्रॉब्लम। सो द नैपसैक प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज दैट इफ देयर आर एन आइटम्स, फॉर ईच आइटम देयर आर टू थिंग्स गिवन, वन इज इट्स वेट, सेकंड वन इज इट्स प्रॉफिट।
Now we have a knapsack along with this. The knapsack is having a capacity M. We need to choose a subset of N items such that the total weight of the all items chosen is going to be less than or equal to, is going to remain less than or equal to M. And the total profit that is earned by including that subset is going to be the maximum. So this is the problem statement of our knapsack problem. Okay. Is there any question regarding this? So profit kaise nikalenge? Now we need to generate the profit for this. So profit nikalega kaise? Kehta profit is equal to PIXI. Iska matlab kya hua? P1 or X1. X1 kitna hai? X1 is equal to 0 hai. To kya hua? 4 10 multiplied by, ye 10 hai iska P1. To 10 multiplied by 0 plus P2 X2. P2 X2, P2 kitna hai? P2 is equal to 9. Done. To 9 into kitna 1 plus P3 X3. P3 kitna hai? 6. Or X3 kitna hai? Is equal to 1. Then uske baad kya hua? P4 X4, yes no. So P4 kitna hai? 15. Or X4 kitna hai? Is equal to 2 upon 3. Done. Uske baad kitna? P5 X5. P5 kitna hai? Is equal to kitna bete? 20. Or X5 kitna hai? Is equal to 0. Kyunki meri to knapsack yahi par bhar gayi thi puri. Hamari knapsack to yahi par bhar gayi thi 2 upon 3 se. To next wali quantity to automatically 0 aane wali hai. क्योंकि यहां से यहां तक का वेट, इन चार का वेट कितना हो गया, इज इक्वल टू 10 हो गया. इट मींस बाकी की जितने भी रिमेनिंग इससे आगे और भी होती सारी जीरो हो जाती. तो कहता है इन सबको बेटे ऐड कर दो. तो इन सबको ऐड करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो फाइनल प्रॉफिट अटेंड फॉर दिस बनेगा. ओके, तो वो क्या बनना बेटे? फाइनल प्रॉफिट अटेंड फॉर दिस बनेगा. अब कहता है एक सॉल्यूशन तो बेटे ये था, अब दूसरा सॉल्यूशन एक और जनरेट करके देख लो. दूसरा एक्स क्या हो सकता है? एक एक्स तो मेरे पास ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन ये वाला. अब दूसरा क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं, इस वाली क्वांटिटी को चूज कर लूं. दूसरा सॉल्यूशन बेटे क्या हो सकता है? हां बेटे, हां बोल सर. वो गलत नहीं है, वहां पे हमको 3 1 है और ओके. तो बेटे सब लोग थोड़ी करेक्शन कर लेना, ये हम थोड़ा सा सीक्वेंस की गड़बड़ हो गई थी. जो पहले वाला जो वेट था ये वाला, ये इस वाले के साथ है, जीरो के साथ है, ये वाली क्वांटिटी जीरो. सेकंड वाली पूरी इंक्लूड होगी, इसको हमने इससे किया मल्टीप्लाई. थर्ड वाली ये इंक्लूड हुई तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चले गए. फिर फोर्थ वाली जो क्वांटिटी थी वो इज इक्वल टू अगेन वन थी तो हम ये चले गए. और जो फिफ्थ वाली क्वांटिटी थी उसका टू अपॉन थ्री हुआ था बेटे. टू अपॉन थ्री होगा या इसका और कुछ होगा, देख के बताओ. इसका भी क्योंकि ये थ्री है ना, ये थ्री है, इसके लिए इसका टू अपॉन थ्री हुआ था. तो 2 अपॉन 3 जब इसका होगा तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3 होगा. तो ये इसका टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा बेटे. ठीक है बेटा. अब कहता है ये तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ, लेट इट बी x1. अब कहता है इसका एक सॉल्यूशन और हो सकता है x2. x2 क्या हो सकता है? जब कहता है मैंने इस क्वांटिटी को पूरा इंक्लूड कर लिया, इट मींस इसको 1. डन. इसको भी पूरा इंक्लूड कर लिया, इट मींस इसको भी 1. थर्ड को भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी 1. ओके. और तो कितना हो गया? 4 plus 2, 6 plus 1, 7. और इसको इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब ये 0. और थर्ड वाली जो लास्ट वाली है उसको पूरा इंक्लूड कर लिया, इज इक्वल टू 1. तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया? ये हो गया. डन. इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आप क्या जनरेट कर लो? प्रॉफिट जनरेट कर लो. नेक्स्ट में क्या होगा? x3. एक बार x3 जनरेट कर लो, इन्हीं में से कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेकर, कि कुछ एक फ्रैक्शनल चली जाएगी एक क्वांटिटी, बाकी वाली क्या चली जाएंगी, एज इट इज एज होल नंबर चली जाएंगी और कुछ एक उसमें इंक्लूड नहीं होगी. तो कहता है क्या है कि इस तरीके से मेरे काफी सारे सॉल्यूशंस बेटे जनरेट होके आएंगे, x1, x2, x3, इस तरीके से. बेटे कहता है काफी सारे मेरे, सपोज 10 सॉल्यूशंस मैंने जनरेट कर लिए x10, तो कहता है मेरे टोटल 10 सॉल्यूशन जनरेट होके आएंगे. 10 सॉल्यूशंस के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या आ जाना है? प्रॉफिट आ जाना है. ओके. तो यहां भी प्रॉफिट आ जाना है. ये प्रॉफिट ऑफ 3 आएगा, ये प्रॉफिट ऑफ 2 आएगा, ये प्रॉफिट ऑफ 1 आएगा. तो कहता है ये मेरे पास 10 प्रॉफिट्स आ जाने. ओके. अब कहता है ये जो 10 के 10 सॉल्यूशन है दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन. और वो कंडीशन क्या थी? दैट डब्ल्यू आई एफ एक्स आई वेयर आई इज
greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. This quantity was less than or equal to m. तो कहता है ये इस वाली condition को satisfy कर रहे थे. Okay. तो कहता है ये वाला जो condition है इसको ये बोलता है constraints. जो इस तरह की conditions है उनको constraints बोलता है. और constraints में भी कौन से वाले constraints? Implicit constraints. Implicit constraints बोलता है बेटे इसको. Okay. तो इसका मतलब all the solutions which are satisfying your implicit constraints are termed as your feasible solution. कौन से solutions हम उसको बोलेंगे बेटे? Feasible solutions बोलेंगे. तो इसका मतलब ये x1 till xn, these all are our feasible solutions. ये कौन से solution है हमारे? Feasible solution है. अब कहता है one out of these feasible. हाँ बेटे. तो i 0 से n तक, तो ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लो. ये वाली जो है ये क्या है, i की जो कंडीशंस है वो है कि दैट i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. ये बेटा एग्जैक्ट कंडीशन. ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना. तो कहता है कि अब क्लियर है बेटे डाउट? ओके, तो कहता है ये काफी सारे मेरे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं. अब कहता है इन सब फिजिबल सॉल्यूशंस से देयर विल बी वन सॉल्यूशन सच दैट जिसका जो प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट, सपोज प्रॉफिट ऑफ आई या फिर उस वाली प्रॉब्लम का जो प्रॉफिट होगा वो सभी से ज्यादा होगा. जितने भी और प्रॉफिट है 9, उन सबसे वो प्रॉफिट ज्यादा होगा. कहता है वो वाला सॉल्यूशन या फिर कह लो कि ये जो हमारी कंडीशन है दैट पी आई into xi where i varies from 1 to n is maximum. ये बेटा हमारी क्या है? ऑप्टिमेलिटी कंडीशन है. ऑप्टिमेलिटी कंडीशन है. डन. एंड द सॉल्यूशन व्हिच इज सेटिस्फाइंग दिस ऑप्टिमेलिटी कंडीशन इज टर्म्ड एज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्टिमेलिटी कंडीशन को वो क्या मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. इट मींस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन दैट इज अमंग्स योर फिजिबल सॉल्यूशन एंड अलोंग विद दैट इज सेटिस्फाइंग योर ऑप्टिमेलिटी कंडीशन. दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. गॉट इट बेटे? तो कौन कौन सी टर्म्स हमने क्लियर कर ली है अभी तक? कौन सी टर्म्स क्लियर कर ली हमने? कि हमारे पास क्या होता था, एक ग्रीडी अप्रोच है जो मोस्टली जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं. डन. उसके बाद हमने क्या देखा कि एक ऑप्टिमेलिटी कंडीशन हमने डिस्कस कर ली. ऑप्टिमेलिटी कंडीशन, और ऑप्टिमेलिटी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. ओके, इसके साथ साथ हमने क्या किया, फिजिबिलिटी कंडीशन, फिजिबिलिटी सॉल्यूशन या फिजिबल सॉल्यूशन जिसको बोलता है, फिजिबिलिटी कंडीशन हमने देख ली. फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? जो मेरे इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स हैं, इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स फॉर्म्स द इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स या जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है वो मेरा फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन है. तो कहता है इन फिजिबल सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन जो कि ऑप्टिमेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. ओके, इसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ लिया, एक सबसेट पैराडिम पढ़ लिया. अब ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है बेटे, ये सबसेट पैराडिम है या नहीं है? और एक हमने ऑर्डरिंग पैराडिम पढ़ लिया. देखो ना बेटे, जो नैपसैक प्रॉब्लम जो हमने अभी अभी पढ़ी है वो क्या कर रही है, एन नंबर ऑफ आइटम्स ले रही है, दो कंडीशंस हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और टोटल वेट लेस देन एम रहे. तो कहता है वो क्या होना है, एक सबसेट होना है एन आइटम्स का जो एज सॉल्यूशन आना है. ठीक है, सबसेट में क्यों बोल रहा हूं, ये जो 0 0 0 1 1 या फिर 1 0.5, तो कहता है इस सेट की क्वालिटी क्या है, इस सेट की प्रॉपर्टीज है क्या, कि ये जो जीरो वाले आइटम्स है ये एक्चुअली सेट में नहीं है. ये तो हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए बोल दिया. हमारा जो फाइनल आंसर है वो तो ये है कि थर्ड वाली क्वांटिटी, फोर्थ वाली क्वांटिटी को पूरा इंक्लूड करो, फिफ्थ को भी, सिक्स को भी, और सेवन्थ को आधी इंक्लूड करो. ये हमारा सॉल्यूशन है.
तो एक तरह से नैपसैक प्रॉब्लम फॉल्स अंडर आर द सबसेट पैराडाइम. ये क्या कर रही है, एन आइटम्स का एक सबसेट जनरेट करके दे रही है विच इज गोइंग टू एक्ट अ सॉल्यूशन. अब कहता है सेकंड जो इसकी टर्म है वो कहता है ऑर्डरिंग पैराडाइम. अब कहता है ऑर्डरिंग पैराडाइम क्या होता है. ऑर्डरिंग पैराडाइम के लिए कहता है सपोज मेरे पास एक ग्राफ गिवन है सी और डी. ये कहता है एक वेटेड ग्राफ है, डन. ये एक वेटेड ग्राफ है मे बी 5, 6, 7, 8 एंड 1 एंड 2. ये कहता है इसके वेट्स हैं. अब कहता है इसमें से मुझे क्या बनाने हैं, स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं. स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री अपने आप में क्या है, स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ जी इज ए सब ग्राफ, इज ए सब ग्राफ विच इज अ ट्री, विच इज अ ट्री, जो अपने आप में एक ट्री हो. ट्री मीन्स क्या हो, एसाइक्लिक हो, डन. तो इसके कौन कौन से ट्रीज बनेंगे, ये बन जाएगा ओके. उसके बाद ये बन जाएगा, उसके बाद ये भी बन जाएगा. यस नो, बोलो बेटे बनेंगे नहीं, अरे बोलो ना. ये वाले कहता है इसके सारे स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे ओके. स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें सभी के सभी नोड्स होने चाहिए. अब कहता है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हम आगे पढ़ने वाला है, कहता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री है क्या, कहता है इन सब ग्राफ में से वो वाला ग्राफ जिसकी पाथ लेंथ मिनिमम हो. ठीक है, क्योंकि ये सारी सारी वेटेड एजेस हैं, इन तीनों को ऐड कर दो वो उसकी पाथ लेंथ आ जाएगी. इन सब को ऐड कर दो, इन सभी एजेस को, ये इसकी पाथ लेंथ आ जाएगी. ऐसे इसको ऐड कर दो, ये इसकी पाथ लेंथ आ जाएगी. ये ऐसे इसको ऐड कर दो, ये इसकी पाथ लेंथ आ जाएगी. तो हमें कौन सा चाहिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, आउट ऑफ दीज ऑल स्पैनिंग ट्री द वन विच इज हैविंग द मिनिमम पाथ लेंथ, मिनिमम पाथ लेंथ, वो वाला मुझे ट्री चाहिए. वो वाला ट्री क्या होगा, मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा. अब कहता है वो जो ट्री होगा उस ट्री में क्या आएंगी, कितनी एजेस आनी है मेरे पास, 3 एजेस आनी है, 1, 2 एंड 3. हर एक में 3 एजेस आएंगी, या फिर आप दूसरे तरीके से बोलो कि उसमें मेरे पास 4 की 4 वर्टिसेस आने वाली है, ए बी सी और डी. ठीक है, एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ए टू बी, नेक्स्ट एज बी टू सी, नेक्स्ट एज सी टू डी. ऐसे ही कौन सा हो सकता है नेक्स्ट, बी ए सी डी. ये हो सकता है कि बी टू ए जाऊं, ए टू सी जाऊं, सी टू डी जाऊं. ऐसे इस तरीके से कहता है काफी सारे मेरे पास सॉल्यूशंस आने हैं. इन सभी सॉल्यूशन में से वो वाला सॉल्यूशन जिसकी पाथ लेंथ मिनिमम है. अब कहता है आप इसमें बेटे ऑब्जर्व करो सॉल्यूशन का नेचर. जो एन इनपुट्स थी, एन इनपुट्स में क्या थे मेरे पास, 4 वर्टिसेस थे, ए बी सी और डी. और जो आउटपुट है, आउटपुट में मेरे पास क्या है, आउटपुट में भी मेरे पास क्या है, बी सी ए डी. सपोज ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, मान लो कि ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. तो आउटपुट में भी मेरे पास 4 वर्टिसेस ही हैं. ओनली डिफरेंस इज दैट देयर ऑर्डर इज डिफरेंट. फाइन, जो गिवन ऑर्डर था एन इनपुट्स का, वो वाला आउटपुट का ऑर्डर नहीं है, उसका आउटपुट का ऑर्डर कुछ और है. उस ऑर्डर में इफ आई कंसिडर द एजेस देन दे रिजल्ट इन अ सॉल्यूशन. तो ये वाली जो प्रॉब्लम है बेटे, ये प्रॉब्लम किसके अंडर फॉल करती है, ऑर्डरिंग पैराडाइम. जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो ऑर्डरिंग पैराडाइम ऑफ ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व होता है. और जो नैपसैक प्रॉब्लम है दैट इज सॉल्व यूजिंग द सबसेट पैराडाइम ऑफ योर ग्रीडी अप्रोच. तो कहता है ये कुछ डेफिनेशन. हाँ बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बनती है आपकी, सपोज ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है, मेरे पास एन नंबर ऑफ सिटीज दी हुई है और ओवरऑल में है क्या, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जो प्रॉब्लम है, हालांकि हम ग्रीडी से सॉल्व नहीं करते, डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं, बट फिर भी सपोज कि मेरे पास एन नंबर ऑफ सिटीज थी, हर एक सिटी के बीच में मुझे एक डिस्टेंस दी थी और उसके कनेक्शंस दिए हुए थे. ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ था, कनेक्टेड था, मे बी ये 100 दिया हुआ, ये 50 दिया हुआ, ये 60 दिया हुआ, ये 7 दिया हुआ, ये 19 दिया हुआ, 20 दिया हुआ, 25 और 80 दिया हुआ. अब कहता है कि ये क्या चाहता है इससे कि सेल्स पर्सन जाए किसी भी एक सिटी से शुरू करे और वो सभी की सभी सिटीज को ट्रेवल्स करे सच दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मिनिमम. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मिनिमम. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सपोज ये मेरा ए था, ये बी है, ये सी है, डी ई और एफ. तो इस केस में कहता है क्या करेगा, ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पहले ए और से बी में जाए,
फिर बी से सी में जाए, ठीक है, फिर सी से आगे डी में जाए, एफ में जाए, तो कह रहा इस तरीके का मेरा एक सॉल्यूशन बनकर आएगा, समझ रहे हो। अभी सॉल्यूशन को भी जो तो आप एजेस से देखो तो ये क्या बनेगा, मेरा सबसेट बनेगा। ओके, जब मैं इसको वर्टिसेस से देखूं कि पहले ए गया, बी गया, फिर सी गया, फिर एफ गया, फिर जी गया, तो कहता है यहां पर क्या बनेगी, ऑर्डरिंग पैराडाइम बनेगी। जब मैं इसको वर्टिसेस के हिसाब से देखूंगा खाली, तो ये क्या बनेगी, ऑर्डरिंग पैराडाइम। तो खाली एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दोनों अलग हैं, हालांकि एक प्रॉब्लम को वी में जस्ट कर लिए बेटे, पहले वाली डन, दूसरा डन, तीसरा कंस्ट्रेंट्स में हमने इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स बेटे पढ़ लिए, अभी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। अब कहता है जो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स हैं, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स में ये जो डब्ल्यू आई और एक्स आई है, अब इसमें मैंने क्या कंडीशन लगाई कि जो नैपसैक प्रॉब्लम में जो x हो सकता है, x की लेंथ कितनी हो सकती है बेटे, मैक्सिमम n हो सकती है, n प्लस 1 पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, और जो x है वो वैल्यू 0 टू 1 ले सकता है। ऐसे ही जो वेट है, वेट की भी कुछ एक मैंने लिमिट फिक्स कर दी, सपोज कि वेट्स भी जो हो सकते हैं भाई आइटम्स के, दे मे ऑल्सो बी फ्रॉम 1 to 100, लेट अस अज्यूम। ऐसे ही प्रॉफिट भी पे भी कुछ एक मैंने एक लिमिट्स फिक्स कर दी। तो ये वाली जो सारी लिमिट्स हमने फिक्स करने वाली बात आ रही है, दे फॉल अंडर द एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। जो बाहर से मुझे मेंशन्ड है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये इन डोमेन्स से आ सकती हैं, दे आर कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है बेटे, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। अब कहता है इसके बाद और कौन सी फिजिकल सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्टिमल हमने डिस्कस कर लिया, सबसेट पैराडाइम, ऑर्डरिंग पैराडाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी दैट इज टू बी यूज्ड फॉर स्टडिंग द ग्रेडी अप्रोच। ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ योर नैपसैक प्रॉब्लम, नैपसैक सॉल्यूशन यूजिंग योर ग्रेडी अप्रोच। अब कहता है पहले क्या करो कि इसके फिजिकल सॉल्यूशंस एनालिस्ट करो। तो कहता है पहला जो सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कहता है सॉर्ट द लिस्ट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स, वेट्स में कर लो, नॉन डिक्रीजिंग मींस इंक्रीजिंग, ये सबसे जो पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटे वाला वेट आएगा। ओके, अब थर्ड क्या कहता है, कहता है कि सॉर्ट द लिस्ट इन प्रॉफिट पर यूनिट वेट, और किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, किस ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहता है प्रॉफिट पर यूनिट वेट से सॉर्ट। तो कहता है ये तीन मेरे प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं, इनके अलावा भी बेटे और कुछ भी हो सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं उनको, ठीक है, कोशिश करना सभी लोग लिखने की। तो अब कहता है कि सपोज ये मेरे तीन सॉल्यूशंस थे, अब इन तीन सॉल्यूशंस के लिए मैंने एक एल्गोरिथम लिखा जिसको मैंने बोला नैपसैक। इसको दो चीजें पास हुई, दो चीजें कौन कौन सी पास हुई, ए पास हुआ और इसके साथ के साथ उसको पास हुआ, दो चीजें बेटे कौन कौन सी पास होनी है, सोच के बताओ कौन सी दो चीजें जाएंगी इसको, आइडिया किसी को, कौन कौन सी दो चीजें जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड वेट, हैं प्रॉफिट और वेट जाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके साथ साथ इसको क्या जाना चाहिए, एक जो एम है, जो कैपेसिटी ऑफ नैपसैक है, सपोज मैं यहां लिखता हूं जो कैपेसिटी ऑफ नैपसैक थी वो इज इक्वल टू एम थी, और नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास सपोज इज इक्वल टू एन थी। ओके, नंबर ऑफ आइटम्स
वॉज इक्वल टू एन थी. तो इनिशियली तो इसने क्या किया, कहता फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन, जो सॉल्यूशन था वो क्या कर दिया, एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0.0 कर दिया. कि इनिशियली तो नैपसैक में मैंने कुछ भी नहीं डाला था. फाइन बेटे, इनिशियली क्या थी मेरी नैपसैक, वो खाली पड़ी थी. ओके, नेक्स्ट में क्या करूं, नेक्स्ट में कहता है कि एक मैंने वेरिएबल लिया जिसको मैंने नाम दे दिया सपोज यू, यू में डाल दी टोटल कैपेसिटी जो नैपसैक की अवेलेबल थी वो डाल दी. और उसके बाद कहता है क्या किया, फोर आई इज इक्वल टू वन टू एन एक लूप चलाया, ये लूप की बिगनिंग की. अब इसके अंदर क्या कहता है, कहता इफ डब्ल्यू ऑफ आई वॉज ग्रेटर देन यू, ठीक है, देन ब्रेक, देन ब्रेक. और इसके अलावा इफ दिस इज फॉल्स, देन उसके बाद क्या कहता है, देन एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वन कर दो, और इसके साथ साथ जो कैपेसिटी है वो क्या करो, u माइनस w ऑफ i कर दो, क्योंकि w ऑफ i तो इंक्लूड हो गया. ये कहता है इसमें इंक्लूड कर दो, और कहता है ये 4 का एंड करो. और इसके बाद कहता है इफ, इसके बाद क्या कहता है कि इफ i वाज लेस देन और इक्वल टू n, देन x ऑफ i इज इक्वल टू u अपॉन W of I. बेटे ये हमने अभी अभी किया था जब हम एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे, तो जो लास्ट वाली आइटम वो कितनी इंक्लूड की थी, कि जितना बचा है और जितना उस आइटम का वेट है, हमने किया था ना बेटे. यहाँ पर एक बार याद करो, हमने ये वाले आइटम जो 2/3 ये कैसे इंक्लूड की थी, 2 कैपेसिटी अभी बची थी, है ना, 2 बची थी ना कैपेसिटी, 2 किलोग्राम वेट बचा हुआ था, और नेक्स्ट वाली आइटम का वेट कितना था, वो 3 था. तो कितना आ सकता था उसमें, 2/3 आ सकता था. ओके, तो ये वहां से आई है. अब कहता बेटा इस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर. इसको हमने किया क्या है, इसको m और n दो चीजें पास हुई, है ना. m इसको टोटल, सपोज वही वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटे, यही वाला एक बार रीराइट कर लेते हैं. 4, 10, 2, 9, 1, 6 और 2 और 3 इसके साथ साथ 5, 15, 3, 20. तो कहता है बेटे ये लिस्ट थी मेरे पास. ओके, अब कहता है इस लिस्ट में सबसे पहले क्या करो, सपोज मैं ये वाला सॉल्यूशन ट्राई करता हूँ, इस सॉल्यूशन इनमें से चलो दो आप खुद से ट्राई करना बेटे, एक हम कर लेते हैं. लेट अस ट्राई द थर्ड वन. थर्ड वन कहते ट्राई करना है, तो थर्ड वन को ट्राई करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट पर यूनिट वेट निकालना पड़ेगा. तो ये इसका वेट है, ये इसका प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट कितना आ गया बेटे, बताओ कितना, 10/4, यस नो, 10/4 आ गया ना, कितना आ गया, 4 2 4 5, यस नो. तो कितना आया इसका, 2.5, इसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट आया 2.5. ओके, अब कहता है नेक्स्ट का निकालो, 9/2, इसका कितना आया, बोलो बोलो ना, 4.5, इसका कितना आया, 6, इसका कितना आया, 3, और इसका कितना आया, 20/3, बोलो, बोलते क्यों नहीं, 6.66, डन. तो ये क्या है, सारे के सारे प्रॉफिट पर यूनिट वेट्स आए. अब कहता है इनकी नंबरिंग कर दो बेटे. नंबरिंग कैसे करें, मतलब इनको सॉर्ट कर दो. सॉर्ट भी किसमें करें, कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना है, अभी लिखा तो है आपके सामने, कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करूं, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब सबसे पहले जो हाईएस्ट वन है उसको, तो हाईएस्ट वन इनमें कौन सा है, ये वाला है हाईएस्ट वन, तो इसको रैंक क्या दे दिया, इज इक्वल टू 1, मतलब ये कौन से नंबर पे जाने वाली है, 1 पे जाने वाली है, डन. उसके बाद नेक्स्ट कौन सी हुई, नेक्स्ट वाली आइटम मेरी ये जाएगी 2. नेक्स्ट में कौन सी आएगी बेटे, बोलो, नेक्स्ट में थर्ड आइटम मेरी ये जाने वाली है 3. नेक्स्ट में कौन सी, बोलो, 4 ये जाएगी, और 5 मेरी ये जाएगी. तो इस तरीके से कहता है मैंने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया, डन.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एल्गोरिथम है इसको ये सॉर्टेड लिस्ट गई, सॉर्टेड लिस्ट एज पर प्रॉफिट पर यूनिट वेट, ये वाली सॉर्टेड लिस्ट गई बेटे इसको। अब सॉर्टेड लिस्ट जाने के बाद क्या किया इसने, एक्स एक एरे था जो कि सारा का सारा इसने जीरो 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 और जीरो, पांच जीरो डाल दी, डन। उसके बाद क्या किया, यू इज इक्वल टू एम, तो हमने कितना लिया था, एम इज इक्वल टू 10 लिया था, तो ये जो टोटल कॉल होने वाली है 10 और 5 के साथ होने वाली है, ओके। तो यू इज इक्वल टू एम, इसका मतलब यू इज इक्वल टू कितना हो गया 10, डन। अब कहता है आई इज इक्वल टू 1 to 5, कहां से कहां तक चलना है, 1 to 5 चलना है, डन। अब कहता है पहली आइटम उठानी है उस सॉर्टेड लिस्ट से, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उठानी है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आइटम है, ये वाली है, डन। इसको उठाया, इसने चेक किया डब्ल्यू आई वॉज ग्रेटर देन यू, यस नो, डब्ल्यू कितना है इसका 3 है और यू में कितना पड़ा, इज इक्वल टू 10 पड़ा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है फिलहाल। तो इसका मतलब क्या करना है, यहां पर आ जाना है, यहां पर आने का क्या मतलब हुआ कि एक्स ऑफ वाई को 1 कर दो, तो इसको तो क्या कर दिया, इज इक्वल टू 1 कर दिया, और यू इज इक्वल टू यू माइनस डब्ल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू कितना 10 माइनस डब्ल्यू ऑफ आई कितना है 3 है इज इक्वल टू 7, तो अब यू में कितना बच गया 7 बच गया बेटे, गॉट इट, 7 बच गया। फिर से अब आई की सेकंड आइटरेशन पे आएगा, अब आई इज इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब सेकंड वाला वेट वो आइटम उठाओ, सेकंड वाली ये आइटम आई हुई है, डन। सेकंड वाली आइटम उठाई, फिर से इसका वेट चेक किया, इसका वेट कितना है 2 है, तो 2 वाज नॉट ग्रेटर देन 7, इसका मतलब फिर से ये कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो फिर से यहां पे आएगा, अब की बार एक्स ऑफ 2 को भी क्या कर देगा, इज इक्वल टू 1 कर देगा, यस नो, और यू को क्या कर देगा, इज इक्वल टू 7 माइनस वेट कितना है इसका बोलो 1 इज इक्वल टू 6, तो अब की बार यू में कितना पड़ा है, इज इक्वल टू 6 पड़ा है, डन। अब की बार फिर से यहां पे आ गया, अब की बार आई इज इक्वल टू 3 आ गया, तो थर्ड वाला कौन सा है, ये वाली है थर्ड में, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट कितना है 2 है, तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये कंडीशन तो फिर से फॉल्स होगी, तो यहां पर आ जाओ, अब की बार एक्स 3 को भी क्या कर दिया, इज इक्वल टू 1 कर दिया, डन। और यू इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, यू कितना आया 6 माइनस बोलो 2 इज इक्वल टू 4, तो यू में इज इक्वल टू 4 आ गया, डन। अब कहता है आई इज इक्वल टू 4 के लिए चलो, जब आई इज इक्वल टू 4 के लिए आया तो इसने क्या किया, आई इज इक्वल टू 4th आइटम कौन सी है, ये वाली है, इसका वेट कितना है बोलो, वेट कितना है इसका 5 है, अब 5 तो कहता है वो 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, जब ये वाली कंडीशन ट्रू है तो कहां पर आ जाना है, यहां पर आ जाना है, डन। अब यहां पर आने के बाद ये वाली कंडीशन भी ट्रू है बिकॉज 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, एक्स आई में क्या डाल देना है, यू अपॉन डब्ल्यू फाइव, यू में कितना बड़ा है 4 और डब्ल्यू फाइव कितना इज इक्वल टू 5, तो 4/5 ये कितना हो जाता है बेटे 0.8, तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या डाल दिया, नहीं है 0.8, 0.8, और बस यहां पर खत्म हो जाना है, इसका मतलब लास्ट वाली एंट्री तो जीरो ही रहेगी, तो इसके अकॉर्डिंग फाइनल सॉल्यूशन आपका क्या निकल कर आएगा, 1 1 1 0.8 और 0, तो ये कहता है इसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अब ये तो वही कहती है बात की इसके वेट्स की, अब कहता है प्रॉफिट कैसे निकालूं, प्रॉफिट में कहता पहली आइटम इंक्लूड हुई थी पूरी की पूरी इंक्लूड होगी, उसका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना है 20, तो 20 तो यहां पर आ गया, ओके। नेक्स्ट वाली आइटम सेकंड आइटम थी वो भी पूरी इंक्लूड होगी, इसका प्रॉफिट कितना है, इज इक्वल टू 6 है, ये भी पूरा काउंट हो गया। थर्ड आइटम उसका प्रॉफिट कितना है, इज इक्वल टू 9 है, वो भी पूरा इंक्लूड हो गया, डन। फोर्थ आइटम कितनी है, फोर्थ फोर्थ में ये है 15, तो 15 का कितना इंक्लूड हुआ प्रॉफिट 0.8, यस नो, 0.8 का मतलब कितना 12, तो कहता है ये और इसके बाद 0, तो कहता है ये टोटल प्रॉफिट इसको ऐड करो, ये कितनी आएगी बेटे 26, 35, 35 और 47, तो 47 टोटल प्रॉफिट हुआ बेटे इसका, ठीक है। तो जो फाइनली आंसर दिया मेरा प्रॉफिट पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने से फाइनल प्रॉफिट कितना निकल के आया, 47 निकल कर आया। अब कहता है एल्गोरिथम को बेटे आपको सेम रखना है, ठीक है, अब की बार आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट को एक सॉर्ट कर लो लिस्ट को, और उसके बाद फिर से सेम एल्गोरिथम लगाओ। उसके बाद कहता है सेकंड वाला ले लो,
अब की बार क्या करना, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेट्स को सॉर्ट कर लो, फिर से सेम एल्गोरिथम लगाओ और तीनों एल्गोरिथम से लगा कर देखो बेटे, इसमें 47 आया, सेकंड का भी लिस्ट करो, थर्ड फर्स्ट वाले का भी लिस्ट करो, सेकंड वाले का भी लिस्ट करो, और फिर 1, 2 और 3 इन तीनों में से कंपेयर करो कि किसने मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके दिया है. यू विल ऑल ऑब्जर्व दैट द मेथड नंबर 3 इन ऑल द केसेस इज गोइंग टू जनरेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, और द मेथड नंबर 3 इज गोइंग टू बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बेटे इस सब को आपको करके देखना है, ये एल्गोरिथम, ये प्रोग्राम बनाओ, उसके बाद खाली इसकी जो सॉर्टेड लिस्ट है उसका नेचर चेंज करना है. एक बार वो प्रॉफिट पर यूनिट वेट से होगी, एक बार वो वेट से होगी खाली, एक बार वो प्रॉफिट से होगी. ये वाले अलग अलग नेचर के लिस्ट पास करते रहो और हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों मेथड के लिए प्रॉफिट प्रिंट कराते रहो. यू विल ऑब्जर्व दैट इन ऑल द केसेस यूनिवर्सली मेथड नंबर 3 इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द अदर 2. Or in the other sense, we may say that the profit per unit weight ke according yadi main sort kar dun, or you can say that if PI of WI is greater than PI plus 1 or WI plus 1 is greater than equal to bhi le lo beshak PI plus 2, W of I plus 2 and P of N or W of N. Kehta iske according yadi main list ko sort karun, and then I apply that algorithm, then it is always going to result in optimal solution. So, ye hamesha hame ek optimal solution generate karke dega. So, this is the solution for your knapsack problem using your greedy approach. Greedy approach mein kar kya raha hai wo? N inputs thi. Un N inputs ko one by one consider kar raha hai. One by one consider kar raha hai. Kiske liye? For inclusion into the solution set. ठीक है, किस क्राइटेरिया क्या होगा इंक्लूजन का, वो उसका फिजिबिलिटी टेस्ट, जो जो फिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करता रहेगा वो उसको सोल्यूशन में डालता रहेगा, जो नहीं करेगा उसको वो छोड़ देगा. तो कहता है ये बेटे ओवरऑल में ग्रीडी अप्रोच का एक जनरल सी एल्गोरिथम है, जनरल सी एक आउटलुक है. अब कहता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करो, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी कितनी बेटे, ये जो हमने अभी भी लिखा है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन. इफ वी अज्यूम दैट द लिस्ट वॉज प्री सॉर्टेड एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. कहता है कि तब तो इसकी, यदि ये कहता है मुझे लिस्ट भी सॉर्ट करनी पड़े तो कितनी होगी, n log n होगी, क्योंकि मैं बेस्ट एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट लगाऊंगा, उससे इसको सॉल्व करूंगा, सॉर्ट करूंगा, तो मेरा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होनी है, और ये तो इंडिपेंडेंटली है इसकी n होनी है, तो उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n. तो कहता है ये बेटे नैपसैक की कॉम्प्लेक्सिटी. अब कहता है ओवरऑल में जो एक चीज हम मिस कर गए, हम एक जनरल एल्गोरिथम बेटे मिस कर गए ग्रेडी अप्रोच के लिए, एक बार जल्दी से इसके गो थ्रू हो जाते हैं, जनरल एल्गोरिथम फॉर ग्रेडी अप्रोच. कहता है दो चीजें इसमें हैं, एक एरे ए है, एरे ए कंटेनिंग एन नंबर ऑफ इनपुट्स. ओके, तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन को एम्प्टी सेट से इनिशियलाइज कर देना है जैसे हमने अभी अभी किया था, और उसके बाद हमें क्या कर देना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2 n एक लूप चलाना है. ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, फोर की बिगिनिंग में x इज इक्वल टू सिलेक्ट a में से एक इनपुट सिलेक्ट करनी है. उसके बाद क्या करना है, इफ फिजिबल, फिजिबल एक फंक्शन है जो क्या चेक कर रहा है कि जो पहले से जनरेटेड सॉल्यूशन है उसके साथ जो अभी मैंने एक्स चूज किया है वो फिजिबल है क्या, ये कोलन नहीं है. इफ इट इज फिजिबल देन क्या करेगा, देन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन यूनियन एक्स, जो अभी अभी हमने सिलेक्ट किया है तो उसको क्या करो, उसके साथ उसको कंबाइन कर दो, उसके साथ यूनियन ऑफ एक्स कर दो. ओके, उसके साथ यूनियन ऑफ एक्स कर दो. तो कहता है इसको चला के रखो, दिस इज द एंड ऑफ आवर फॉर लूप, और उसके बाद रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न सॉल्यूशन कर दो.
अब इसको बेटा ये वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं. हुआ क्या, मेरे पास ए एरे ऑफ इनपुट्स था, एन नंबर ऑफ इनपुट्स थी, सॉल्यूशन को मैंने एम्प्टी सेट से इनिशियलाइज किया. जैसे हमारे पास नैपसैक वाली प्रॉब्लम में क्या आया था, मेरे पास क्या निकल के आया था, मेरे पास एक W था और एक मेरे पास क्या था, एक प्रॉफिट था. दोनों के दो कॉन्स्टिट्यूट क्या करते थे, ए सेट को कॉन्स्टिट्यूट करते थे. इसमें एन नंबर ऑफ इनपुट्स थी तो ये ए पास हुआ उसको, ये एन पास हुआ. सॉल्यूशन को हमने पहले क्या कर दिया था, एक्स वाज इक्वल टू जीरो 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 ये इनिशियलाइज कर दिया था. उसके बाद हमने एक लूप चलाया था, ठीक है, आई इक्वल टू एन के लिए. देखो वन टू वन मैप कर लेना बेटा इसको. ये हमने फोर लूप चलाया था. इसके बाद ये हमने क्या चेक की थी, फिजिबिलिटी कंडीशन चेक की थी, है ना. तो यहां पर भी हमें क्या करना है, एक इनपुट सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी हो रैंडमली. इसमें रैंडमली हालांकि हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चूज किया है, हमने सॉर्ट कर लिया था. तो कहता है एक इनपुट सेलेक्ट कर लो आउट ऑफ द इनपुट सेट ए. उसके बाद कहता है उस इनपुट को चेक करो वेदर दैट इनपुट वाज फिजिबल. इफ इट वाज फिजिबल तो उसको क्या कर देना है, सॉल्यूशन वाले सेट में इंक्लूड कर देना है. यदि वो फिजिबल नहीं थी देन वी जस्ट नीड टू लीव दैट एंड मूव टू द नेक्स्ट. कहता है इस तरीके से करते रहो, जस्ट ट्राई द सिलेक्शन ऑफ इनपुट्स वन बाय वन एंड ट्राई इंक्लूडिंग इट इनटू द सॉल्यूशन सेट. एंड वंस ऑल द इनपुट्स आर एग्जॉस्टेड योर सॉल्यूशन सेट इज गोइंग टू कंटेन द फाइनल आंसर टू यू. ओके तो बेटे ये आपका नैपसैक प्रॉब्लम है.